गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ डे इन लाइफ ऑफ एन एक्टर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि होता क्या क्या है एक एक्टर की लाइफ में जब वो बॉम्बे में रहता है। सुबह उठते ही मैं अपने पर्दे खोलती हूँ सबसे पहले और आसमान को देखती हूँ। इट फील्स सो गुड। उसके बाद मैं अपना बिस्तर बनाती हूँ एक अच्छे बच्चे की तरह, क्योंकि मेरी मम्मी ने सिखाया है सुबह उठते ही अपना बिस्तर बनाना चाहिए, उससे वापस सोने का मन नहीं करता है। देन आई हैव सम वॉर्म वाटर जो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर वोकल्स एंड आई लव सिंगिंग एज वेल। तो मैं रियाज करती हूँ, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ टू ट्रेन माई वोकल्स। मैंने मेडिटेशन जर्नी एक साल पहले स्टार्ट की थी और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस देखे हैं, जैसे कि ठहराव, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स महसूस करे हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं मेडिटेशन में तो यू शुड ट्राई गाइडेड मेडिटेशन विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आई सजेस्ट एवरीबॉडी टू ट्राई मेडिटेशन वंस इन देयर लाइफ, इट्स लाइफ चेंजिंग। गाइस, दीज आर द थिंग्स जो मैं रात को भिगो के रखती हूँ। यह है धनिया पानी, दिस इज धनिया पानी। ये धनिया के कुछ पत्ते हैं, मैंने रात को डाल के रख दिए थे, तो धनिया का पूरा जो न्यूट्रिशन है जो भी है वो उस पानी में आ गया। ये है पुदीना पानी, नहीं नहीं नहीं, अरे ये है पुदीना पानी, ये है धनिया पानी। उप्स। ये है हमारे फेवरेट आमंड्स, दिस इज जीरा वाटर। जीरा, दो पिंच जीरा डाल के उसके अंदर पानी डाल के, तो जीरे का पानी है ये। ये है अजवैन का पानी। इट जस्ट डजंट मीन कि आप ही ये सब फॉलो करें, मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से, मुझे मेरे चीज़ों के हिसाब से ये भैया ने सजेस्ट किया है। तो आई शेयर द कॉन्टैक्ट ऑफ जगदेव भैया ऑल्सो, ही इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपको अपनी डाइट में या फिर अपने न्यूट्रिशन के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना हो, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। वो आपको आपके हिसाब से पर्सनलाइज करके चीज़ें दे देंगे। ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ घर के, तो कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, मैं कैसे न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो ही गाइड मी ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वाटर। आई हैव माई वाटर्स एंड सम ब्लैक कॉफ़ी एंड देन आई गो एंड गेट रेडी फॉर माई जिम। मोस्टली मैं जिम पैदल ही जाती हूँ, बट कभी कभी ऑटोज। टुडे वॉज माई लेग्स डे एंड यूजली आई स्टार्ट माई वर्कआउट विद सम गुड स्ट्रेचेज, जिससे इंजरी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आप भी स्ट्रेचेज ज़रूर करिए अगर आप वर्कआउट करते हैं। उसके बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। आज मेरा लेग्स था तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि पेन कुछ ज़्यादा ही था, बट जो भी है यही रिकॉर्ड कर पाई। और उसके बाद मैं कुछ कार्डियो करती हूँ। मोस्टली आई डू कार्डियो आफ्टर माई वर्कआउट। और इस पॉइंट तक मुझे एक्सट्रीम भूख लग चुकी थी, मुझे आज ऑडिशन के लिए बाहर भी जाना था, तो मैंने घर जाते ही पुलाव बनाया, थोड़ा सा पनीर ग्रिल किया और दही के साथ मस्त बैठ के खाना खाया।
मुझे खाना एकदम पालती मार के बैठ के शांति से एकांत में बैठ के खाना खाना बेहद पसंद है। मैंने फटाफट खाना कंप्लीट किया और मैं फटाफट रेडी होके निकल गई। बेहद ट्रैफिक से गुजरते हुए मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची और ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने क्या पहना था। मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो रखा था तो मैं खुश थी कि मैं आज बाहर निकली हूँ। मैं कास्टिंग बे गई थी ऑडिशन के लिए। वो किस चीज़ का ऑडिशन था, क्यों था, वो सब आपको आगे पता चल जाएगा। एंड हियर आई वाज एक्सट्रीमली नर्वस वेटिंग फॉर माय टर्न। अपनी लाइंस याद कर रही थी और फाइनली मुझे बुला लिया गया। ऑडिशन वॉज गुड। उसके बाद मैं नीचे कैफ़े में आके बैठ गई। मुझे कहीं मीटिंग के लिए जाना था और उसमें अभी टाइम था। कहीं ट्रैफिक से बचते बचाते मैं पहुंची अपनी मीटिंग लोकेशन पर। वो भी मीटिंग कहाँ थी, किसके साथ थी, वो भी आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। उसके बाद थक हार के मैं घर पहुंची। भूख के मारे मैंने फटाफट जाके पोहे खा लिए जो मेरी फ्लैटमेट ने मेरे लिए बनाए थे। थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने पौधों को पानी दिया एंड रेड माय बुक। करंटली आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड सीक्रेट। इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड हाउ योर वर्ड्स एंड थॉट्स अफेक्ट योर डेली लाइफ। यू मस्ट रीड इट। लेट्स मेक टी टुगेदर। यूजुअली आई डोंट हैव टी बट आज मन कर रहा था तो चलो। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारा। है ना कितनी सुंदर। Since I don't use sugar, I use khand or gud. And recently I bought this khand and I'm putting this khand into my tea. Let me see that thing. The tea is ready to serve. आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो मैंने फटाफट फेस वॉश किया, थोड़ा बहुत स्किन केयर किया और उसके बाद मैं सोने चली गई। So this was my day guys. See you in my next YouTube video. Till then, bye bye. ख्याल रखिए सब।